हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड इस। दोस्तों, रियलमी C2 यूजर्स को बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था वो वक्त आज आ गया था। लेकिन 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 इस अपडेट में भी आप रियलमी C2 यूजर्स को कुछ खास नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C2 का जो जुलाई का अपडेट OTA अपडेट ग्लोबली लॉन्च हुआ है उसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और क्या क्या न्यू फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि इस अपडेट में आपको रियलमी UI देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है लेकिन मैं कंफर्म कहूँगा कि अगले महीने के एंड तक रियलमी C2 यूजर्स को रियलमी UI का अपडेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म है कि इस अपडेट में आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस अपडेट में हमें क्या मिला है, मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ रियलमी के इस अपडेट से। हालांकि इन्होंने तैयारी कर ली है, अब इसमें देखने वाली बात है कि कब तक रियलमी UI का अपडेट आएगा। अभी इन्होंने सबसे पहला जो अपडेट किया है वो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच का अपडेट इन्होंने किया है सिक्योरिटी लेवल पे। और सेकंड अपडेट जो इन्होंने किया है, एप्लीकेशन रियलमी लिंक को ऐड किया है जो कि मैं कोई खास नहीं मानता हूँ। और इन्होंने थर्ड जो फाइनली इम्प्रूवमेंट किया है वो इन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है स्टेबल अपडेट के लिए, जो कि रियलमी UI का जब आएगा तो कोई भी दिक्कत ना हो रियलमी C2 यूजर्स के लिए। तो कोई खास अपडेट मैं इसे नहीं कहूँगा, बस तीन अपडेट यहाँ पे इन्होंने किया है और तीनों अपडेट जो है बहुत ही खास मैं नहीं कहूँगा रियलमी C2 यूजर्स के बिहाफ से मैं ये बोल रहा हूँ। तो इस अपडेट में आप लोगों को क्या मिला, सिर्फ जुलाई का सिक्योरिटी पैच का अपडेट और एक एप्लीकेशन और फिक्स किया गया है सिस्टम इम्प्रूवमेंट। अभी सिस्टम इम्प्रूवमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है कि रियलमी UI का जो टेस्टिंग इन्होंने किया है और जब ये OTA अपडेट के द्वारा रियलमी UI प्रोवाइड कराएंगे तो सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन इन्होंने किया है। तो फिलहाल अभी रियलमी C2 यूजर्स को अभी और वेट करना होगा रियलमी UI के लिए और एंड्रॉयड 10 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस अपडेट के बारे में। तो अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है माइंड इस। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।